हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विजन आईएएस मेंस 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आप कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करें इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्तृत सिलेबस हमने पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप में से किसी ने उसे नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में वह अवेलेबल है वीडियो, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक होगा वह विजन आईएएस मेंस 365 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्शन आप लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करें उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जो विजन आईएएस की जो मेंस 365 मैगजीन होती है वह विगत एक वर्षों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट होती है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जो एक वर्ष के अंतर्गत प्रगति हुई है, उन क्षेत्रों का एक समराइज वे में यहाँ पर दिया होता है, जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम लोग इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, ताकि आप लोग इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक को बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करें। विषय सूची, पहला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं रोबोटिक्स। देखिए, यह जो टॉपिक है वह बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके अंतर्गत कई सारे सब टॉपिक हैं, तो आइए सब टॉपिक के आधार पर हम लोग एक एक टॉपिक को इसे देखते हैं। पहला है उभरती प्रौद्योगिकियों और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास। यह जो है बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। आप लोग इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अंतर्गत उभरती प्रौद्योगिकी और वर्ष 2023 में उभरती प्रौद्योगिकी, इन दोनों सेक्शन को भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है चौथी औद्योगिक क्रांति, उद्योग 4.0, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 1.1.1 और 1.1.2 ये दोनों जो सेक्शन है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है वेब 3.0, यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग इसे छोड़ सकते हैं। अगला है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत दो सब पॉइंट है, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। इसके बाद है क्वांटम प्रौद्योगिकी। देखिए, क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित एक हमने मॉडल आंसर को पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में बताया गया है, तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग कर लेंगे। यानी कि इसके अंतर्गत सिर्फ राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी को आप लोग कंप्लीट करिए। इसके बाद 6D टेक्नोलॉजी है, इसको काफी अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। देखिए, वहां पर पूछा जा सकता है 6G, 4G और 5G, इन तीनों के बीच कंपैरेटिव पूछा जा सकता है, तो यहां से आप लोग 6G टेक्नोलॉजी और 5G टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। यह टॉपिक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग बुक खोलकर साथ साथ निशान लगाते चलिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला है उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर दिया हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में AI का प्रयोग, कृषि क्षेत्र में AI का प्रयोग, तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर AI को कर लीजिएगा और यहाँ पर 6G और 5G टेक्नोलॉजी को कर लेना है, ठीक है। अगला है एक्सटेंडेड रियलिटी, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद है माइक्रो LED, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब आइए सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर कंप्यूटर्स का यूज किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, भारत सरकार सुपर कंप्यूटर के लिए क्या क्या काम कर रही है, तो इसे आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना होगा। यानी कि सुपर कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, यह भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आइए बायोटेक, नैनोटेक और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मुद्दे। तो इसमें हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, बायोटेक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बायोटेक आप लोग पूरा कवर कर लेंगे। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में बायोटेक का यूज दिया गया है, जैसे कृषि क्षेत्र में क्या यूज है इसका, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या यूज है इसका, स्टेम सेल के बारे में दिया गया है। इसे आप 3 पेरेंट बेबी, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जीनोम एडिटिंग अच्छे तरीके से कर लेना है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। जीनोम सिक्वेंसिंग, इसको आप कर लीजिए,
हो सकता है पूछा जाए, जीनोमिक सर्विलांस इसको आप छोड़ सकते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था इसे आप कर लीजिए, इससे यह होगा कि यहाँ महत्वपूर्ण जो डेटा मिलेंगे ना, वह डेटा का प्रयोग अगर बायोटेक से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वहां पर आप डेटा का प्रयोग कर सकते हैं कि भारत में अभी जैव अर्थव्यवस्था का आकार इतना है, नीति आयोग के अनुसार इतना होने की संभावना है, तो यहां से जो डेटा मिलेगा उसका यूज आप जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखने में आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो यहां पर जो भी हमने बताया, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, कृषि क्षेत्र में स्टेम सेल, इसके अलावा जीनोम अनुक्रमण, ठीक है, फिर जीनोम एडिटिंग, और इसके बाद भारत की जैव अर्थव्यवस्था, यानी कि जैव टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप यही 6 सेक्शन को आप लोग कंप्लीट करें। अगला है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोटेक के अंतर्गत यहाँ पर जितने सेक्शन दिए गए हैं, नैनो उर्वरक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी, और पर्यावरण में नैनो टेक्नोलॉजी, इन तीनों का आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर ये दो क्षेत्र का ही नैनोटेक देने का रीजन है कि चूंकि हमने बताया कि इसमें विगत एक वर्ष के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट या जो न्यूज में रहता है उसे ही यहाँ पर दिया होता है, तो नैनोटेक का यूज कई सारे क्षेत्र में किया जा सकता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्र में किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण और हेल्थ सेक्टर में दिया है, प्लस नैनो उर्वरक चूंकि सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है नैनो फर्टिलाइजर, तो यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में नैनो उर्वरक आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर लिखने में। तो ये तीन दिया हुआ नैनोटेक काफी महत्वपूर्ण है, यहां से बायोटेक और यहां पर नैनोटेक आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब आइए IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, चूंकि एक पेज में दिया गया है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। अगला है अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता, चूंकि अंतरिक्ष हमेशा से बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, लेकिन अंतरिक्ष चूंकि एक काफी ज्यादा बड़ा विस्तृत टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत भी सेलेक्टिव टॉपिक का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, हमने 69th मेंस के लिए जो नोट्स अवेलेबल कराया है मॉडल आंसर का, उसमें भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भी शामिल किया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी की भूमिका और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, इसे आप लोग प्रायोरिटी देकर कंप्लीट करेंगे, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है मार्स ऑर्बिटर मिशन, इससे प्रश्न पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। अगला है इसरो से संबंधित अन्य घटनाक्रम, तो इसरो से संबंधित जैसे इसरो की विकासात्मक भूमिका क्या है, डेवलपमेंट रोल ऑफ इसरो, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में इसरो की क्या भूमिका है, इसे आपको प्रायोरिटी के साथ करना है। शॉर्ट नोट्स में नाविक पूछा जा सकता है, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ सकते हैं नाविक को, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर दिया गया है यह बीपीएससी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसे आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अगला आइए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार, यह भी नहीं पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष पर्यटन यह महत्वपूर्ण है, अंतरिक्ष पर्यटन आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, स्पेस टूरिज्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जा सकता है स्पेस में निजी क्षेत्र की भूमिका और स्पेस टूरिज्म, यह तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोर, इसको भी छोड़ दीजिए, यह जो मिशन है या बृहस्पति ग्रह को लेकर लॉन्च किया गया है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला है डार्क मैटर का मानचित्रण, अंतरिक्ष संबंधी अलग अलग परिघटनाएं, यह अभी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसे भी हमने यहाँ पर काट कूट कर निशान लगा लिया, आप लोग इसे देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगला जो है हेल्थ सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, हेल्थ सेक्टर से संबंधित डेवलपमेंट आपको जानना है और इसे अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है। इसमें बेसिकली विभिन्न रोगों के उपचार में भारत सरकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या काम कर रही है, क्या रिसर्च हो रहे हैं, वह यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्पेशली 3-4 आप लोग देख लेंगे, जैसे WHO की महामारी संधि पैंडेमिक ट्रीटी WHO का आप लोग देख लीजिए, गैर संचारी रोग क्षय रोग TB को लेकर क्या सरकार के तकनीकी प्रयास हैं, इसे भी आप लोग देख लीजिए, पारंपरिक औषधि, इसे भी आप लोग देख लीजिए, ये जो दो पॉइंट यहाँ पर और दो पॉइंट यहाँ पर हमने बताए, और जेनेरिक दवा, ये जो 5 पॉइंट हमने यहां पर बताया, यह हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हेल्थ सेक्टर जब कंप्लीट करेंगे तो इनमें सभी को नहीं पढ़ना है, लेकिन यहां पर जो 5 टॉपिक जो लगातार दिए हुए हैं 4.5 से लेकर 4.9 तक, तो इसे काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना होगा, तो यहां से आपको 5 टॉपिक कवर कर लेना है। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां,
प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास, ये पूरा टॉपिक अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरे टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या भूमिका है। आपको याद होगा पिछले वर्ष 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया है कि बिहार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बिहार की उपलब्धियों को बताएं, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां। इसके साथ साथ आप बिहार की उपलब्धियों को भी कहीं से कंटेंट खोजकर नोट्स बनाने की का प्रयास करें। तो यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है VBI, ठीक है। अगला है, यहाँ पर जिन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है, तो यह बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भारत में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा की क्या प्रगति की स्थिति है यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जो भी कंटेंट मिले वह महत्वपूर्ण है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अक्सर 2 ऊर्जा के अंतर्गत 2 सेक्शन पर फोकस करती है। हमने डिटेल्ड सिलेबस जब डिस्कस किया था आपके साथ तो बताया था कि बिहार जो है वह काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो एक नाभिकीय ऊर्जा पर बीपीएससी फोकस करता है प्रश्न पूछने को लेकर, और एक नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस करता है। तो नवीकरणीय और नाभिकीय इन 2 ऊर्जा से संबंधित जो भी कंटेंट, जहां भी कंटेंट आपको मिले, हर एक डायमेंशन उसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। तो यह 6.2 का जो यूनिट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी, आप इसका यूज कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे ये फायदा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का यूज किस प्रकार से किया जा रहा है। अगर यह प्रश्न आया तो आप तो लिखेंगे ही हेल्थ के सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन में, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, किस प्रकार से सरकार जो है सोशल वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, तो वहाँ पर आप एक पॉइंट के रूप में गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी आप लिख सकेंगे, तो आपका आंसर जो है वह इनरीच हो जाएगा। तो गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी टॉपिक को भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। इसके बाद कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तो आपको कंप्लीट करना ही है, और विगत कुछ वर्षों के अंतर्गत सरकार के द्वारा ड्रोन प्रौद्योगिकी पर फोकस किया जा रहा है, तो कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का क्या यूज है, भारत की क्या उपलब्धियां विज्ञान के क्षेत्र में, बिहार की क्या उपलब्धियां विज्ञान के क्षेत्र में, और जो भी हमने पॉइंट ऊपर बताया वो, यह सारे जो टॉपिक हैं आपको विजन आईएएस मेंस 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो उसका मैगजीन है उसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे, और यह काफी महत्वपूर्ण मैगजीन है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग हर एक अभ्यर्थी इस मैगजीन को पढ़ते हैं, लेकिन कितने अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि इस मैगजीन को हमें पढ़ना किस प्रकार से है, कौन सी कंटेंट को हमें पढ़ना है, कौन सी कंटेंट बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन सभी कंटेंट को हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। इसके पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिटेल्ड सिलेबस बीपीएससी के अंतर्गत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किन किन सेक्शन से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी सेक्शन को हमने डिटेल्ड रूप में काफी अच्छे तरीके से डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को देखिए। यहां से विजन आईएएस में आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने इसे देखिए, और दोनों को मर्ज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक भी टॉपिक जो है आपका छूट नहीं पाएगा, और सारे टॉपिक व्यवस्थित रूप से आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि अभी से लेकर प्रीलिम्स परीक्षा तक आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके अंतर्गत हमने बताया था स्लॉट 1 हमने आपको दिया था दिसंबर से लेकर फरवरी तक का समय, इसमें हमने कहा था कि आप कोशिश करिए कि जीएस पेपर 2 जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। 3 महीने में 3 सेक्शन आपको कवर करनी है, एक सेक्शन आप दिसंबर में कवर करिए, एक सेक्शन आप जनवरी में कवर करिए, दूसरा और एक और सेक्शन जो उसे फरवरी में कवर करिए, और स्टार्टअप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कई सारे हमने वीडियो दिया है जो कि आपकी तैयारी स्टार्ट करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बुक लिस्ट हमने आपको बता दिया है, विजर में 365 के महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट आपको बता दिए हैं, इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक करनी है महत्वपूर्ण डिटेल्ड सिलेबस है उसे भी हमने आपको बता दिया है। तो इन तीनों वीडियो को आप देखकर एक कंक्लूजन जो निकालेंगे उसके आधार पर आपकी तैयारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में काफी बेहतर हो पाएगी, और काफी अच्छे तरीके से आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।